हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर्स का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में ये जो काइनेटिक वर्ड है यह स्पीड को बताता है, यह रेट को बताता है। अब यह किसकी स्पीड और किसकी रेट को बताता है? तो केमिकल रिएक्शंस में हम लोगों ने यह पढ़ा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और यदि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। यदि रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो वह एक ही डायरेक्शन में होता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। मान लिया कोई एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इस रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, हमने मान लिया इनिशियल कंसंट्रेशन इसके दिए हुए हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमने मान लिया आर नॉट है, और इसके कुछ वैल्यू है, मान लेते हैं 2 mole per liter है इसकी वैल्यू है। तो जब ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो इस आर का कंसंट्रेशन 2 mole per liter ही होगा। अब मान लेते हैं रिएक्शन स्टार्ट हो गए, तो रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो ऐसा नहीं होता है कि आर का 2 mole per liter जो है डायरेक्टली प्रोडक्ट में सारे के सारे कन्वर्ट हो गए, ऐसे नहीं होते। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ग्रेजुअली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहां पर एक बात आती है दिमाग में, ऐसा बात आपको आता होगा कि सर एक सेकेंड में रिएक्टेंट का कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता होगा? क्या डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट का सेम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता होगा या सेम अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता होगा पर सेकेंड? तो नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। डिफरेंट रिएक्शंस में रिएक्टेंट का डिफरेंट अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। क्यों होता है उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग काइनेटिक्स के बारे में समझते हैं। तो हमने इसे समझने के लिए एक केमिकल रिएक्शन लिया जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमने 2 mole per liter लिया है, ठीक है, और डायरेक्टली सडनली पूरा का पूरा 2 mole एक बार में प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो कहा जाएगा भैया एक सेकेंड में कितना इसका कन्वर्ट हो रहा है? तो एक सेकेंड में जितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है वही उस रिएक्शंस की स्पीड कहलाती है, वही उस रिएक्शंस की रेट कहलाती है। बात आई समझ में? यानी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दैट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, और इसी को स्पीड ऑफ रिएक्शंस कहते हैं, और इसी स्पीड को यहाँ काइनेटिक्स के टर्म में लिखा गया है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उनका होने का, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का, यदि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने का स्पीड क्या है, यानी पर सेकेंड कितने उसके कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट में, और यदि प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसलिए इस चैप्टर्स का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो
तो शायद आप स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं ये बात समझ गए होंगे। अब यहां पर एक बात आती है कि सर डिफरेंट रिएक्शंस का रेट ये स्पीड अलग अलग क्यों होता है, तो चलिए इस पर हम लोग कंसीडर करते हैं कि डिफरेंट रिएक्शंस में रिएक्शंस का स्पीड अलग अलग क्यों होता है, रेट अलग अलग क्यों होता है। यदि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की बात करें तो डिफरेंट स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्यों कन्वर्ट होता है, डिफरेंट रिएक्शंस में सेम स्पीड से ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्यों कन्वर्ट नहीं होते हैं, चलिए इस बात को देखते हैं। देखिए तो किसी केमिकल रिएक्शंस में मात्र दो बातें होती हैं, पहला तो एक रिएक्टेंट होता है दूसरा प्रोडक्ट होता है। तो जो दो बातें होती है कौन कौन होती है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट में प्रेजेंट बॉन्ड जो होता है वो उसका ब्रेकिंग होता है, और जब ये प्रोडक्ट में जाती है तो नए नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब नए बॉन्ड बनते हैं प्रोडक्ट में तो एनर्जी रिलीज होती है, और रिएक्टेंट में प्रेजेंट बॉन्ड जब ब्रेक होती है तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब यहीं पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, वह रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट में प्रेजेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो रिएक्शन का रेट यानी स्पीड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का बहुत ही फास्ट होगा, और रिएक्टेंट में प्रेजेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उस रिएक्शंस का स्पीड टू चेंज रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट बहुत ही स्लो होगा। अब ये यहां पर हम लोग बात किए कि एनर्जी जितनी ही ज्यादा लगेगी बॉन्ड को ब्रेक करने में, ठीक है, तो ज्यादा क्यों लगेगी कम क्यों लगेगी वो तो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिएक्टेंट्स में कितनी अधिक है और कितनी कम है। तो ये फोर्स जो रिएक्टेंट्स है उनमें प्रेजेंट जो बॉन्ड है उनको ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगती है, कितनी ज्यादा लगती है, तो डिपेंड करता है उनमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो ज्यादा है या कम है। यानी इस बात पे ही डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी, बॉन्ड यदि ज्यादा स्ट्रांग है तो बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, उनका स्पीड कम होगा। यदि बॉन्ड काफी वीक है तो ब्रेक करने में काफी कम एनर्जी लगेगी, फिर उनका स्पीड ज्यादा होगा। यानी स्पीड किसका ज्यादा है और किसका कम है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट में प्रेजेंट बॉन्ड्स जिसे हमें ब्रेक करना है, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए वह उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो कितना स्ट्रांग है। यदि ज्यादा स्ट्रांग होगा तो स्पीड कम होगी, और यदि कम स्ट्रांग होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि उसको ब्रेक करने में ज्यादा स्ट्रांग होंगे तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यदि कम स्ट्रांग होंगे तो कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और रिएक्शंस का स्पीड डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे तो अब यदि हम लोग डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस पर कंसीडर करें तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनका स्पीड ज्यादा है, कुछ ऐसे हैं जिनका स्पीड बहुत कम है, कुछ ऐसे हैं जिनका स्पीड मॉडरेट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा मॉडरेट रिएक्शंस, और तीसरा वेरी स्लो रिएक्शंस, यानी वह रिएक्शन जो बहुत फास्ट स्पीड से होता है, दूसरा वह रिएक्शंस जो मॉडरेट स्पीड से होता है, और वह रिएक्शन जो बहुत ही स्लो स्पीड से होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शंस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, based on a speed or rate. First, very fast reaction, very fast reaction,
सेकंड मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, थर्ड वेरी स्लो रिएक्शन। इनके कुछ एग्जांपल्स पर हम लोग कंसीडर करते हैं। यस, वेरी फास्ट रिएक्शन, यानी इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होंगे रिएक्टेंट में उसे ब्रेक करने के लिए बहुत कम से कम एनर्जी की जरूरत होगी, इसलिए तो वेरी फास्ट रिएक्शन होंगे वो। हाँ, तो जैसे वेरी फास्ट रिएक्शंस का एग्जांपल्स होंगे आयनिक रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शंस। अभी आयनिक रिएक्शंस का एग्जांपल्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये बहुत ही फास्ट होते हैं, बहुत ही फास्ट करके मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी हो जाते हैं। जैसे HCl, इसकी रिएक्शन हम NaOH से कराते हैं, एसिड का रिएक्शन बेस से कराते हैं। तो एसिड की रिएक्शन जब आप बेस से कराते हैं एसिड की रिएक्शन बहुत आवाज आ रही बाहर एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो ये एसिड ये एक्वस होता है या बेस भी एक्वस होता है तो एक्वस में ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये क्या होते हैं H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में ऑलरेडी होते हैं, ये Na प्लस के फॉर्म में और OH माइनस के फॉर्म में ऑलरेडी होते हैं। तो जब इससे रिएक्शन करता है तो NaCl बनाते हैं और दूसरा H और OH H2O बनाते हैं। तो यहां पर ये जो Na और Cl बना है तो Na OH से अटैच था, यहाँ HCl में HCl से अटैच था, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, ये खुद ब खुद यहाँ आयनिक स्टेट में प्रेजेंट है। तो ये ऑलरेडी आयनिक फेज में प्रेजेंट है, यहाँ पर हमें जितनी एनर्जी की जरूरत पड़नी चाहिए थी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भैया उसकी जरूरत नहीं, अब तो ये पहले से ना ब्रेक हो चुका है, अब थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे होंगे इन दोनों के बीच में सॉल्यूशन में भी थोड़े थोड़े क्योंकि अपोजिट आयंस है ना तो कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते होंगे तो उसे ब्रेक करने में बहुत बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिसके कारण ये बहुत ही फास्ट होते हैं, यानी ऐसा कह सकते हैं आयनिक रिएक्शंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस। नेक्स्ट है, तो इस तरह से जितने भी रिएक्शंस होते हैं जो कि ये क्या कहा जाता है आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मॉडरेट रिएक्शन, देखिए इसके एग्जांपल्स जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये मॉडरेट स्पीड से होते हैं। देखिए कोई एस्टर आप ले लीजिए CH3C(OH), ये इथाइल एस्टर हमने लिया, इसकी हाइड्रोलिसिस कराइए तो जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बन जाएंगे CH3C कार्बोक्सिलिक एसिड और ये इथाइल अल्कोहल और ये मॉडरेट स्पीड से होते हैं। आप देखिए वेरी स्लो रिएक्शंस, आपने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वेरी स्लो रिएक्शंस का एग्जांपल्स है क्या रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन is an example of very slow reactions. So on the basis of a speed there are different types of reactions, very slow reactions, very fast reactions and moderate reactions. शायद आप इन तीन बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन. सो रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसेंट्रेशन, चेंज इन कंसेंट्रेशन इधर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन. हमने मान लिया कि कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. इसका T इक्वल टू जीरो मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन है R नॉट, और T इक्वल टू T वन में इसका कंसंट्रेशन हो गया R T, ठीक है, या R वन, ठीक. तो अभी यहां पर देखिएगा चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इन टाइम T1 कितने हो गए, देखिए पहले था R0, अब कितने हो गए R1, ठीक है. तो फाइनल R1 है, इनिशियल R0 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल R1 माइनस R0, ठीक है. अब यहां से इसको R भी मान सकते हैं, अच्छा कुछ भी हो. नेक्स्ट अब देखिए चेंज इन टाइम लिखिए, चेंज इन टाइम, तो टाइम पहले कितना था जीरो, अब कितना हो गया टी वन, यानी कि ये हो गया टी वन माइनस जीरो यानी कि टी वन. तो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंटू प्रोडक्ट, इंटू प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन आर वन माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई टाइम डिफरेंस टी वन माइनस जीरो. चेंज इन कंसेंट्रेशन, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, कंसेंट्रेशन में चेंज है तो डेल्टा आर किसके कंसेंट्रेशन में चेंजिंग है, आर के, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ऐसा. तो ये हो गया हमारे चेंज इन कंसेंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम, और ये इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कंसेंट्रेशन को, मोलर कंसेंट्रेशन को, और देयरफॉर वी कैन राइट एज रेट इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये होगा रेट, इक्वेशन नंबर वन. लेकिन यहां पर एक बात देखने को वो क्या है कि कंसेंट्रेशन में जब चेंजिंग हुए, ठीक है, कंसेंट्रेशन चेंज हो गए, तो यहां आप देख रहे हैं कि इनिशियल कंसेंट्रेशन ज्यादा था. यदि रिएक्टेंट की बात यदि आप करते हैं इनकेस ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसेंट्रेशन ज्यादा था इनिशियल ना, और बाद वाला कम था. लेकिन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इनिशियल कम है और फाइनल ज्यादा है. और यहां हमने रिएक्टेंट की बात किया तो यहां से देखेंगे R1 इज लेस देन R0, तो ये ज्यादा है ना, तो इसकी वैल्यू तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस आएंगे. यानी देयरफॉर इन केस ऑफ रिएक्टेंट, इन केस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ठीक है. और ये माइनस साइन क्यों, इसलिए कि कभी भी कंसंट्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकता. अब जैसे आप ले लीजिए एक केजी आप मान लेते हैं चावल लाए हैं,
आप खा जाएंगे तो माइनस माइनस टू, ये माइनस जो है 1 kg भी कर सकते हो उसको, नहीं ना खाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 0 ही होगा उसका कंसंट्रेशन, माइनस में घास होगा तो कंसंट्रेशन कभी निगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन मैथमेटिकली इसको जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू निगेटिव आएगा, लेकिन ये निगेटिव होता नहीं है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से यहाँ माइनस लगा दिया जाता है। तो इन केस ऑफ रिएक्टेंट ऐसा लिखेंगे, और इन केस ऑफ प्रोडक्ट आप ऐसा लिखेंगे, ये जो रेट होंगे ठीक है आप ये पॉजिटिव होंगे, डेल्टा पी कर देता हूँ बाय डेल्टा टी ऐसा। तो ये था हम लोगों ने पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है और स्पीड क्या होता है, स्पीड के अकॉर्डिंग रिएक्शंस को कितने पार्ट्स में बांटा जा सकता है। फिर कब जब रेट हम लोग रिएक्टेंट्स का निकालते हैं तो वो निगेटिव होते हैं, और जब प्रोडक्ट्स का रेट दिखाते हैं तो वो पॉजिटिव साइन में दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है उसको, उन सभी सारी बातों को हमने सीखा। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेट। रेट दो तरह के होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस रेट और दूसरा एक होते हैं एवरेज रेट। तो हम लोग इनके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।